I hope you are all fine at your home. Today we are learning about some basics of English grammar. English. As you know, English is widely spoken all over the world. To improve our communication skill, we need some basics of grammars so that we can write properly, speak fluently. So, in this series, we are discussing some basics of grammars. As you know, English is also a language and widely spoken all over the world. First of all, इमेजिन करो आप कि एक ऐसी दुनिया जिसमें लैंग्वेज ना, यानी वो वर्ड कैसा कहलाएगा, डम एंड डीफ, बहरे और गूंगों का. तो वहां पर आपने देखा होगा डम एंड डीफ जो होते हैं वो यूजुअली जेस्चर्स, साइंस का प्रयोग करते हैं. लेकिन यू नो साइंस एंड जेस्चर्स समटाइम्स फेल टू convey our ideas, convey to our thoughts. फिर हो जाते हैं, नहीं कह पाते उनसे, आंखों के इशारे से, चेहरे के हाव भाव से हम अपनी बात कह नहीं पाते. इसीलिए हमें काफी बार जरूरत पड़ती, वी हैव टू डिपेंड ऑन वर्ड्स. हमें वर्ड्स पर डिपेंड करना पड़ता है, शब्दों पर डिपेंड करना पड़ता है. तो वर्ड्स कैसे फ्रेम होते हैं, कैसे फॉर्म किए जाते हैं, यू नो वर्ड्स फॉर्म किए जाते हैं लेटर्स से, अल्फाबेट से. एज यू नो ऑल द लेटर्स इन इंग्लिश रेंजिंग फ्रॉम ए टू जेड आर आल्सो टर्म्ड एज अल्फाबेट. तो लेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेटर कहिए या अल्फाबेट कहिए, अल्फाबेट You need, आप जानते हो आप अल्फाबेट मीन्स ए टू जेड. ये इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स को अपन ज्वाइनिंग करके क्या बना पाते हैं, इन लेटर्स को ज्वाइन करने के बाद हम वर्ड फॉर्म कर पाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड बाय ज्वाइनिंग लेटर्स. लेटर्स यू नो बता दिया लेटर्स. वर्ड्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि लैंग्वेज बिना वर्ड्स के चल ही नहीं सकती. तो केवल साइन और जो जेस्टर्स हैं वो सक्षम नहीं है या वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमें वर्ड्स की जरूरत पड़ती है. वी हैव टू डिपेंड. और हर वर्ड का, चाहे कोई हिंदी भाषा हो चाहे अदर कोई लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में वर्ड का अपना रोल होता है. वर्ड जो फॉर्मेशन कर लेते हैं तो वर्ड फॉर्मेशन के बाद हम क्या बना पाते हैं, सेंटेंसेस. सेंटेंसेस सेंटेंस बना पाते हैं. और जब सेंटेंस बना पाते हैं तो शायद आप जो अच्छे से जानते हो, हम पैराग्राफ भी बना सकते हैं. पैराग्राफ यानी पैराग्राफ इन द सेंस, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, पैराग्राफ का मतलब हम कंपोजिशन यानी कुछ लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और अपनी बात को एक्सप्रेशन कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट लेटर्स. एज यू नो जानते भी हो लेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है. वर्ड, वर्ड या वर्ड्स, वर्ड्स आप क्या है, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स इज ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स से बनेंगे वर्ड्स. तो हर वर्ड का लैंग्वेज में अपना अलग अलग फंक्शन होता है. एक ही वर्ड अलग अलग जगह अलग अलग कार्य करता है, उसका फंक्शन अलग अलग होता है. वर्ड्स को आपने पढ़ा है, वर्ड्स के जिस तरह बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसी तरह हर लैंग्वेज के भी पार्ट्स होते हैं. हर लैंग्वेज के भी पार्ट्स होते हैं, वर्ड्स भी, वर्ड्स के भी अपने अलग अलग पार्ट्स हैं. पढ़ा भी है, यू नो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी एक ही वर्ड लैंग्वेज में अलग अलग ढंग से काम करता है. यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे कोई पूछे कि क्या होता है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट्स द फंक्शंस ऑफ वर्ड इन लैंग्वेज. यानी भाषा में
शब्द का किस तरह का रोल रहेगा ये सब बतलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। There are eight types of parts of speech. आप जानते होंगे eight type of parts of speech. First कौन है? Noun. Second क्या कहेंगे? Pronoun. Third कौन सा होगा? Adjective. Adjective भी बोलते हैं इसे, Adjective. Fourth one verb. फिफ्थ वन कह सकते हो एडवर्ब। सिक्स्थ वन प्रीपोजिशन। एंड सेवंथ क्या कहेंगे? कंजक्शन। कंजक्शन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एट हो गया आपका इंटरजेक्शन। हर वर्ड लैंग्वेज में चाहे कोई भी वर्ड हो उसका अपना अलग अलग रोल होता है, अलग अलग वो अपनी भूमिका अदा करता है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ड एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शंस और इंटरजेक्शन। वन बाय वन लें, अलग अलग लें तो किसी भी वाक्य में कोई काम करेगा किसका? नाउन का। हर जगह हम नाउन का यूज नहीं कर सकते तो उसी नाउन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशंस कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस। इनमें जो नाउन है वो किसका? व्हाट डू यू मीन नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग एनिमल और क्वालिटी इज नोन एज ए नाउन। नाउन को हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसी तरह प्रोनाउन, जैसे कि जानते हो प्रो यर स्टैंड फॉर के लिए। Pronoun, any the word that replaces noun, the word that replaces noun is called pronoun. उसी तरह adjectives, adjective क्या होता है? Adjective is the word that modifies noun or pronoun. इसी तरह verb means action, state of action. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब भी मॉडिफाई करता है। एडवर्ब इज द वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब। एडवर्ब इटसेल्फ एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। प्रीपोजिशन यू नो ये एक तरह से संबंध को बताता है। इन ऑन एट सिचुएशन कंडीशन कहां किस स्थिति में है उसको बतलाता है। कंजक्शन क्या होगा? कंबाइन द वर्ड्स, वर्ड्स को कंबाइन करने का कार्य करता है। इंटरजेक्शन वो होता है जिसमें फीलिंग्स होती हैं, सडन फीलिंग्स होती हैं। अगर सुना हो हिंदी में आपने सुना हो हे वो अरे, इंग्लिश में आ वाव, इस तरह की जो सरप्राइजिंग सडन फीलिंग वो फीलिंग्स हो सकती हैं, सोरो की भी जोय की। तो इस तरह हर सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स का फंक्शन अलग अलग होता है। ये ध्यान रहे कि हर वर्ड एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है। जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है हो सकता है वही काम किसी दूसरे सेंटेंस में वही वर्ड एडवर्ब के रूप में यूज हो। कहीं पर यदि कोई प्रीपोजिशन है वर्ब है अलग अलग मोर देन वन फंक्शन होते हैं हर वर्ड के। तो हमें मेरे स्टार्ट करने से का मतलब यही था सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यदि हम वर्ड्स के फंक्शनिंग के बारे में जान पाए तो शायद हम सेंटेंसेस प्रॉपर्ली बना पाएंगे, और यदि सेंटेंसेस प्रॉपर्ली बना पाएंगे तो पैराग्राफ राइटिंग कर पाएंगे या कोई भी कंपोजिशन को लिख पाएंगे। इसलिए हम आज एक इंट्रोडक्टरी एक थोड़ा सा इसकी ब्रीफिंग कहें, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लें। पार्ट्स ऑफ स्पीच के
नंबर्स पढ़ लिए, देर आर एट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बता चुका, इनके अलग अलग अपन अलग अलग डिटेल से करेंगे। थोड़ा सा इस पे काम करने से पहले मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताना चाहूंगा। सेंटेंस क्या है? इन्हीं जो वर्ड्स हैं, एक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन, अकेला एक सिंगल वर्ड समटाइम्स सेंटेंस के रूप में हो सकता है, लेकिन जो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या कहेंगे, किसे कहेंगे सेंटेंस? सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट जो क्या कर सकता है, दैट गिव कंप्लीट सेंस, क्लियर सेंस, किसी भी चीज की कंप्लीट और क्लियर सेंस दे, वो सेंटेंस होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, तो वो सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस भी अपने आप में अलग अलग होते हैं, बहुत कितने मेनली देर आर फाइव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वो भी मैं लिख देता हूँ। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसमें प्लीज मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। सेंटेंस को भी आप पढ़ रहे हो एसआरटी सेंटेंसेस, एसआरटी और इन्हें डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट वन असर्टिव और डिक्लेरेटिव, सेकंड क्या हो सकता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड कौन सा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और फोर्थ ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और फिफ्थ वन हो गया एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस, इन्हीं असर्टिव सेंटेंसेस को भी आप दो भागों में बांट सकते हो, जिसको आप एक स्टेटमेंट वाला अफर्मेटिव, जिसमें स्टेटमेंट होती है केवल, और दूसरा होता है इसको कह सकते हो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और ये सेकंड वन क्या होगा, कौन सा, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव यस स्टेटमेंट वाले, जिसमें यस कोई स्टेटमेंट होती है, नेगेटिव जिसमें हमें किसी चीज को डिनाई करना पड़ता है, नो कहना पड़ता है, नो। दूसरा इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, सजेशंस होते हैं, एडवाइस होती है। उसी तरह ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में विश या प्रेयर होती है, विश या प्रेयर होती है। उसी तरह एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सडन फीलिंग होती है, एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, एक्सप्रेशन ऑफ जोय, इस तरह की जो फीलिंग होती है। इन सेंटेंसेस के बारे में आपने पहले पढ़ा है, इनको अपन फिर बाद में पढ़ेंगे, पहले हम वर्ड्स पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स से ही सेंटेंस बनते हैं। तो वर्ड्स के बारे में जैसा कि मैंने बता दिया, वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में एज ए पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, यानी विदाउट वर्ड वी कैन नॉट लर्न लैंग्वेज। सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट लर्न अबाउट नाउंस, फर्स्ट वी मस्ट लर्न अबाउट नाउंस। मैं वन बाय वन लूंगा, वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्ड्स का क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसका क्या कहेंगे, नाउन। तो आज टुडे वी लर्न अबाउट सम थिंग अबाउट नाउन, नाउन के बारे में पढ़ेंगे। सुनिए नाउन क्या होता है, नाउन जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी और इमोशंस, इनके रूप में जो भी हो उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन व्हाट वी सी, व्हाट वी टॉक अबाउट, जो हम देख रहे हैं, जिसके बारे में हम बतिया रहे हैं, इज ऑलमोस्ट ऑल आर नाउन्स। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं नाउन्स के बारे में, नाउन, नाउन, तो नाउन क्या होगा, नाउन इज ए
name of a person thing place animal quality idea or emotions such things are known as nouns noun is the name of a person noun is the name of a person thing place animal quality or idea or emotions मैंने जैसे कि कहा मेरे हाथ में चौक है तो चौक इज ऑल्सो नाउन ग्रीन बोर्ड है या बोर्ड है बोर्ड इज ऑल्सो ए नाउन स्पेक्स है स्पेक्स इज ऑल्सो ए नाउन शर्ट इज ऑल्सो ए नाउन व्हाट वी सी एंड व्हाट वी फील एंड जिन चीजों को हम छू सकते हैं जिन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं वो सब नाउन के रूप में काम करती है नाउन के अलग अलग प्रकार हैं नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स में दे जाए हम काइंड्स ऑफ नाउन काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉपर नाउन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉपर नाउन क्या होता है प्रॉपर नाउन इज ए नाउन या प्रॉपर नाउन एक ऐसा वर्ड है प्रॉपर नाउन जिसमें कि क्या करते हैं नेमिंग ऑफ ए पर्सन प्रॉपर नाउन इज ए डिस्क्राइब क्या किसको डिस्क्राइब करती है प्रॉपर नाउन डिस्क्राइब्स ए नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर थिंग पर्टिकुलर पर्सन उन चीजों के जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक है उन चीजों के जो शो करे उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन जैसे सपोज करो मैंने लिखा राम मोहन ये क्या है नेम ऑफ पर्सन मैंने आगे लिखा मानो डेली मैंने लिखा दूसरी चीजें जो प्रॉपर नाउन प्ले नेम ऑफ पर्सन नेम ऑफ प्लेस नेम ऑफ थिंग इज नोन एज ए प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन के बाद हम किसके जाते हैं दूसरा होता है कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन में भी क्या होता है कॉमन नाउन में भी डिस्क्राइब्स नेम ऑफ लेकिन ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है नॉट ये तो एक पर्टिकुलर पर्सन के नेम या पर्टिकुलर प्लेस के नाम को बता रहा था जैसे डेली Not city, परंतु यहां पर कॉमन नाउन में उस क्लास को राम क्या है एक बोल गार डो ये सब क्या है कॉमन नाउन उस पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए इनको कॉमन नाउन में सपोज करो डेली सिटी विलेज ये कॉमन नाउन जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे उसे कॉमन नाउन कहते हैं थर्ड वन का कौन सा होगा एक आपने सुना हो कंक्रीट नाउन आर दोज नाउन्स विच एग्जिस्ट या वो नाउन जिन जो एग्जिस्ट करती हैं, जिनको फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जैसे जिसको हम टच कर सकते हैं जो जिनका मतलब फील कर सकते हैं मैं इज ऑल्सो ए कंक्रीट नाउन मैंने पहले कहा था कि जो प्रॉपर नाउन हो सकता है वो कंक्रीट नाउन भी हो सकता है तो कंक्रीट नाउन्स आर दोज नाउन्स विच एग्जिस्ट फिजिकली जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हो उन्हें कहते हैं जैसे सपोज करो मैंने कह दिया बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इसी बिल्डिंग को मैंने नाम लिख दिया मान लो पार्लियामेंट हाउस तो पार्लियामेंट हाउस नाम हो गया स्पेसिफिक नाम हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन
लेकिन अगर मैंने कह दिया बिल्डिंग, तो बिल्डिंग तो सभी बिल्डिंग्स के लिए भी यूज किया सकते हैं, इसलिए कॉमन नाउन भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो इसको हम टच करके कर सकते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए क्या हो सकता है, कंक्रीट नाउन। इसी का ओपोजिट, इसी का जो बिल्कुल नेक्स्ट होता है वो होता है कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फोर्थ वन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इसके बिल्कुल ओपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी नाउन कहलाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होंगी जो विच डू नॉट एग्जिस्ट, जो जिनको एग्जिस्ट नहीं किया जा सकता, उनको हम फील कर सकते हैं, उनको हम देख नहीं सकते। जैसे यू नो ब्यूटी, ट्रूथ, सुना हो एक सेइंग है ऑनेस्टी, ये क्वालिटी होती है, ये आइडिया होते हैं, यानी जो आइडिया हो, मैंने पहले जैसे डेफिनेशन में लिखा आपने, आइडिया हो क्वालिटी हो वो भी नाउन होती है, उन नाउन्स को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब फिफ्थ वन, मेनली ये पांच ही होती है, फिफ्थ वन होगी कोलेक्टिव नाउन, कोलेक्टिव नाउन। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ग्रुप को शो करती है, कोलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ थिंग। जैसे मैंने लिखा यहां पर, मान लो कोलेक्टिव नाउन में लिखा जैसे ए ग्रुप ऑफ प्लेयर, क्या बनेगा, ग्रुप ऑफ प्लेयर टीम। जैसे ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या बनेगा बताइए, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कहां होंगे, क्लास। तो टीम है, क्लास है, ये कोलेक्टिव नाउन्स हैं। सपोज कीजिए जैसे ए ग्रुप ऑफ, यही लिख देता हूं, क्रिमिनल्स, एक ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स क्या कहलाता है, गैंग। इसी तरह लिख दें ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ये क्या कहलाएगा, आर्मी। तो ये किसको शो करते हैं, ये है कोलेक्टिव नाउन, कोलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग, ये कहलाता है कोलेक्टिव नाउन। इसी कोलेक्टिव नाउन से आप आगे जा सकते हो, उनमें क्या कहलाएंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल एस, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है आपको, काउंटेबल कौन सी होंगी, काउंटेबल नाउन, और इसी के जस्ट अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। इनको बहुत कम, ये आपको पता भी होता है, काउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिनको गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन एज यू हैव ऑलरेडी रीड, सिंगुलर प्लूरल, देर आर टू टाइप ऑफ काइंड कलेक्ट काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर जैसे यू नो बॉय कैन बी काउंटेड, इसका प्लूरल बना सकते हैं बॉयज, बुक्स जैसे बुक है सिंगुलर हो गया, प्लूरल इसका क्या हो जाएगा बुक्स, ये काउंटेबल। लेकिन एक होती है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आर दोज विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको गिन नहीं सकते, जिनको गिन नहीं सकते। जैसे आपने सुना हो मिल्क, वाटर, ये कैन बी मेजर बट कैन नॉट बी काउंटेड, इनको गिना नहीं जा सकता, इनको मापा जा सकता है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हमें, मैंने केवल एक ओवरव्यू, क्विक ओवरव्यू दिया है नाउन्स के बारे में पढ़ा है आज, इसको नेक्स्ट वीडियो में भी, नेक्स्ट में भी देखेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग और प्लेस और एनिमल और क्वालिटी और आइडिया और इमोशंस, ये सब क्या होती है नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन में पढ़ा हमने, प्रॉपर नाउन,
प्रॉपर नाउन जैसे मैंने पहले बताया नेम ऑफ पर्सन भी हो सकता है, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ प्लेस, ये नोन एज ए प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में क्लास को शो करता है, उस वर्ग को शो करता है। जैसे यहां पर पर्टिकुलर यदि बच्चे का नाम राम है तो प्रॉपर हो गया, लेकिन कौन है राम, बॉय, तो ये बॉय पूरी कैटेगरी क्लास बॉय कैटेगरी को शो कर रहा है। गर्ल, डॉग, सिटी, विलेज, ये सभी चीजें कॉमन नाउन है। और अलग होता है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन मीन्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप महसूस कर सकते हो। बिल्डिंग है मेरे हाथ में, मान लो डस्टर है, पेन है, ये सब क्या है, इनको आप फील कर सकते हो, इनको आप टच कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके विपरीत होता है, कंक्रीट नाउन से बिल्कुल विपरीत होता है। कंक्रीट नाउन तो वो जिनको जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको टच नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट, जिनको महसूस किया जा सकता है। ब्यूटी है, ट्रूथ है, ऑनेस्टी एंड सो ऑन। इसी तरह नेक्स्ट है कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन जैसा कि कोलेक्शन, किसको स्टैंड, कोलेक्टिव नाउन हियर रेफर टू कलेक्शंस। कलेक्शन किसका कलेक्शन, एक ग्रुप ऑफ, जैसे मैंने यहां लिख दिया एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या बन गया टीम, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या बन गई पूरा क्लास, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या बन गया आर्मी, एक ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स उसको क्या कहेंगे गैंग। तो दीज आर नोन एज ए कलेक्टिव नाउन्स। एंड लास्ट वन काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है जिनको काउंट किया जा सके, अनकाउंटेबल नाउन जिनको काउंटर नहीं किया जा सके वो अनकाउंटेबल होती हैं। बेटे यही डिस्कस था आज के इस टॉपिक में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यानी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे, और तब तक आप इनको देखना, ये इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज असाइनमेंट आपको मिलेगा, उसमें देख लेना। थैंक यू।